कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियां। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है महाराज शांतनु का गंगा से विवाह। महाभारत की कथा का प्रारंभ हस्तिनापुर के महाप्रतापी राजा शांतनु से होता है। महाराज शांतनु के पूर्वजों में महाराज भरत और उनके पिता महाराज दुष्यंत का विशेष उल्लेख है। महाराज दुष्यंत चक्रवर्ती राजा थे। उनके बल एवं पौरुष की मिसाल नहीं दी जा सकती। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र एवं मेनका द्वारा उत्पन्न एवं काव्य ऋषि द्वारा पोषित पुत्री शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था। महाराज दुष्यंत एवं शकुंतला से उत्पन्न हुए थे भरत, जो बचपन में शेरों के साथ खेला करते थे एवं उनके मुंह में हाथ डालकर उनके दांत गिना करते थे। वे बड़े ही निडर बलशाली एवं बुद्धिमान थे। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। एक बार महाराज शांतनु शिकार खेलने के लिए वन में गए। उसी वन से होकर गंगा नदी बहती थी। नदी के तट का दृश्य बड़ा ही मनोहर एवं मुग्ध कर देने वाला था। तब महाराज शांतनु ने नदी किनारे रथ रुकवाया और उतरकर वहीं टहलने लगे। अचानक उनकी दृष्टि एक सुंदर युवती पर पड़ी, जो नदी से निकलकर जल के ऊपर इस प्रकार चलने लगी मानो पृथ्वी पर चल रही हो। उसकी अद्वितीय सुंदरता एवं जल पर चलने का चमत्कार देखकर महाराज शांतनु उस पर मुग्ध हो गए और अपनी सुध बुध खो बैठे। वो सुंदरी चलती हुई महाराज शांतनु के निकट आई तो अधीर होकर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो सुंदरी और इस वन प्रदेश में अकेली क्यों घूम रही हो? आप क्यों पूछ रहे हैं? खनकते स्वर में सुंदरी ने पूछा। उसकी मधुर आवाज सुनकर तो राजा शांतनु और अधिक बेचैन हो उठे और बोले, हे मधुर भाषिणी, तुम्हें देखकर मैं अपने होश खो बैठा हूं। मैं हस्तिनापुर का शासक शांतनु हूं तथा तुमसे विवाह का इच्छुक हूं। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकती हूं राजन, मगर मेरी दो शर्तें हैं। कैसी शर्तें देवी? जल्दी बताओ, हमें तुम्हारी हर शर्त स्वीकार है। मेरी पहली शर्त तो ये है कि आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूं अथवा कहां से आई हूं। मेरी दूसरी शर्त ये है कि मैं जो कुछ भी करूंगी आप उसे सिर्फ देखेंगे, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जिस दिन भी आपने मेरी शर्तों का उल्लंघन किया मैं उसी दिन आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ये शर्तें सुनते ही महाराज शांतनु स्तब्ध रह गए। ये शर्तें सामान्य स्थिति में उन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार न होती, किंतु इस समय उस सुंदरी के सौंदर्य ने उन पर जादू किया हुआ था। अतः दिल के हाथों मजबूर होकर उन्होंने ये दोनों शर्तें स्वीकार कर ली और वचन दे दिया कि मैं तुम्हारी शर्तों के अनुसार कभी तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा और न कुछ कहूंगा। ये वचन पाकर सुंदरी उनसे विवाह के लिए राजी हो गई और वहीं दोनों ने गंधर्व प्रेम विवाह कर लिया। चूंकि वो सुंदरी महाराज शांतनु को गंगा किनारे मिली थी, इसलिए उन्होंने उसे गंगा नाम दिया और अपने महल में ले आए। कुछ दिन तेजी से गुजर गए। इस बीच महाराज शांतनु राजकाज की बातें भूलकर गंगा के प्यार में खोए रहे और राजकाज मंत्रियों ने संभाला। अब उन्हें गंगा के अतिरिक्त और कुछ नहीं सूझता था। कुछ माह बाद महारानी गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म की सूचना पाकर महाराज शांतनु खुशी से झूम उठे और खबर लाने वाली दासी को पुरस्कार स्वरूप अपने गले की कीमती माला देकर गंगा के महल की ओर दौड़ पड़े। मगर ये देखकर उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि महारानी नवजात शिशु को गोद में उठाए गंगा नदी की ओर जा रही है। उन्होंने कुछ पूछना चाहा, किंतु तभी उन्हें गंगा की शर्त याद आ गई और खामोश होकर वे महारानी गंगा के पीछे चल दिए। तट पर जाकर गंगा ठिटक कर मुड़ी, फिर उनकी ओर देखकर धीमे से मुस्कुराई। उसके बाद उसने अपने पुत्र को नदी में बहा दिया। ये देखकर महाराज शांतनु को धक्का सा पहुंचा। रानी गंगा मुस्कुराती हुई वापस लौट पड़ी। महाराज शांतनु आंखें फाड़े उसे देखते रहे, मगर वचन में बंधे होने के कारण बोले कुछ नहीं। कुछ दिन बाद महाराज को पुनः रानी गंगा के गर्भवती होने की सूचना मिली तो वो पहले पुत्र के सदमे को भूल गए और मन ही मन कामना करने लगे कि इस बार रानी गंगा अपने पहले भयानक कृत्य को नहीं दोहराएगी और शीघ्र ही उनका पुत्र उनकी गोद में खेलेगा।
मगर उनकी ये कामना पूर्ण न हो सकी। पुत्र के जन्म की सूचना पाकर वे फिर गंगा के महल की ओर दौड़े तो फिर से गंगा को नदी के तट की ओर जाते देखकर सन्न रह गए। वे पागलों की तरह उसके पीछे लपके मगर चाहकर भी गंगा को रोक न सके। गंगा ने इस बार भी तट पर जाकर पुत्र को नदी की गोद में डाल दिया। महाराज शांतनु का कलेजा चाक चाक हो गया। उनकी आंखों में क्रोध और पीड़ा के आंसू साथ साथ दिखाई देने लगे, लेकिन वचन में बंधे होने के कारण वे कह ही न सके। और इसी प्रकार रानी गंगा ने महाराज शांतनु के एक एक कर 7 पुत्रों की हत्या कर दी। राजा देखते और खून के आंसू रोते, उनकी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिलते। वे स्वयं को धिक्कारते, कैसा राजा है तू? एक स्त्री तेरी आंखों के सामने तेरे पुत्रों की हत्या करती है और तू मूक दर्शक बना देखता रहता है, क्या ये न्याय है? धिक्कार है तुझ पर। अब महाराज शांतनु का सब्र जवाब दे गया। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अपने 8वें पुत्र की हत्या वे इस प्रकार नहीं होने देंगे। कुछ समय पश्चात रानी गंगा ने उनके 8वें पुत्र को जन्म दिया और पहले की भांति उसे लेकर गंगा तट की ओर चल दी। इस बार महाराज शांतनु घात लगाए बैठे थे, वे रानी के पीछे पीछे तट की ओर चल दिए। फिर रानी गंगा ने ज्यों ही पुत्र को जल में बहाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, त्यों ही महाराज शांतनु गरज कर बोले, बस बस बहुत हुआ, हाथ रोक लो गंगा। क्या तुम जानती हो कि ये तुम मेरे 8वें पुत्र की हत्या करने की चेष्टा कर रही हो? आखिर तुम चाहती क्या हो? क्या तुम ये चाहती हो कि मेरा वंश समाप्त हो जाए और इस राज्य को कोई उत्तराधिकारी न मिले? महाराज शांतनु की गर्जना सुनकर रानी गंगा ने हाथ पीछे खींच लिए और पलटकर बोली, आपने मुझे टोक कर अपना वचन भंग कर दिया है राजन, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकती, किंतु जाने से पहले मैं आपको अपने इस कृत्य का रहस्य अवश्य बताऊंगी। राजन, मैं स्वर्ग की गंगा हूँ। एक बार 8 वसुओं से अप्रसन्न होकर महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें शाप दे दिया कि तुम पृथ्वी पर जाकर सांसारिक कष्ट भोगो। इस शाप को सुनकर 7 वसु बड़े द्रवित हुए और उन्होंने महर्षि से क्षमा याचना की, किंतु 8वां वसु डिठाई से निश्चल खड़ा रहा। तब महर्षि ने उन 7 वसुओं को क्षमा करते हुए कहा, तुम 7 तो भूलोक पर जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लौट आओगे, किंतु ये 8वां वसु दीर्घ काल तक अनंत शारीरिक एवं मानसिक कष्ट भोगेगा। बस महाराज, उन 7 वसुओं को शाप मुक्त करने के लिए ही मुझे स्त्री का वेश धारण कर तुमसे विवाह करना पड़ा। अब मेरा काम पृथ्वी पर समाप्त हुआ, इसलिए मैं स्वर्ग को लौट रही हूँ, किंतु आपके इस 8वें पुत्र को साथ ले जा रही हूँ। मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी और इसमें वो शक्ति भरूंगी जिससे ये जीवन के दुखों को सहन कर सके। बड़ा होने पर मैं इसे आपको लौटा दूंगी। इतना कहकर गंगा ने अपने पुत्र को छाती से लगाया और उसे लेकर आकाश मार्ग से स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गई। महाराज शांतनु अवाक रह गए। फिर गंगा के अदृश्य होने पर वे निराशा में डूब गए और पश्चाताप करते हुए किसी हारे हुए ज्वारी की भांति अपने महल की ओर लौट पड़े। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है। सुनते रहें कहानियां।